आदित्यनाथ ने उपचुनाव को लेकर सभी मंत्रियों के साथ बैठक की, क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया है, किस रणनीति पे आप लोग काम करेंगे? देखिए, जिस तरीके से हम लोगों ने आजमगढ़ और रामपुर जीत के दिखाया था चुनाव, उसी तरीके से ये भी चुनाव जीत कर दिखाएंगे। जो कमियां रहेंगी सुधार करेंगे। विपक्ष ने जो भ्रम फैलाकर इस बार नैरेटिव सेट करके थोड़ा आंशिक सफलता प्राप्त करने में कामयाब हुआ, तो उस नैरेटिव को हम लोग सही बात पहुंचाकर जनता को फिर साथ लाएंगे और कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लोग निचले पावदान पर पहुंचेंगे। सर, विपक्ष भी रहेगा सर, क्योंकि इस उपचुनाव पर लोगों की नजर है। कहा जा रहा है कि इससे बीजेपी की और एनडीए की स्थिति पता चल जाएगी आगामी चुनाव को लेकर। देखिए, एक बार नैरेटिव का लाभ ले लिया धोखे से, दोबारा उन्हें मिलने वाला, चूंकि कुछ झूठ और भ्रम का कैश कार्ड एक ही बार कैश कराया जा सकता है। तो हम लोग सभी लोगों के साथ जो काम करना चाहिए था उत्तर प्रदेश का या क्षेत्र के विकास की, शांति की, जो भी है, उस सब कई मुद्दे हैं जिस पर हम लोग आधारित वोट मिलेगा। और हम लोग जो सीटें हैं, निश्चित रूप से जो यह लोकसभा का जो इलेक्शन होता है, राष्ट्र का चुनाव होता है, राष्ट्रवाद के चुनाव पर होता है और उसमें बड़ा चुनाव होता है, ये छोटा चुनाव है, निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे। सर, क्या लगता है ये जो बीजेपी में तकरार देखी जा रही है, कुछ पूर्वी से लखनऊ आए हैं, क्या लगता है सर, सब कुछ ठीक है बीजेपी में, और अगर इससे आने वाले चुनाव पे क्या कुछ फर्क पड़ सकता है? देखिए, ये कोई तकरार नहीं है, इसे बनाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन क्योंकि लोग भटक जाए अपने उस जो 8,500 रुपये देना था, 1,00,000 रुपये का देना था, और जो भारत का संविधान बदल जाएगा आरक्षण का, जो तुम जो जो जिस तरीके का नैरेटिव था उससे लोग भ्रमित हो जाए, उससे लोग जो है निगाह हट जाए, इसके वजह से तरह तरह कहीं कोई दरार नहीं है, सब ठीक है। हम लोग उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो मिलजुल के काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सर, क्या लगता है, क्या देखिए, एक तो आत्मविश्वास था लोगों को, और आत्मविश्वास जो है आदमी को बड़ा नुकसान पहुंचाता, और कार्यकर्ताओं में भी था और वोटरों में था, जो हमारे वोटर थे ये सब, तो इसको लेकर लोग अत्युत्साहित हो गए और उसके वजह से लोगों ने उस पर नीचे काम नहीं किया। नरेटिव जो चलता रहा उनका, लेकिन उसको कोई काउंटर करने नीचे नहीं गया कि उसका भी दुष्परिणाम हो सकता है, और उसका दुष्परिणाम मिला। और अब पता चलता है कि वोट जो मिला है, जो गया है, वो वोट किस वजह से गया, तो आरक्षण का लाभ लेने वाली जातियां थी जो अपनी संख्या से ज्यादा आरक्षण का लाभ ले चुकी हैं, ऐसी सभी जातियां मूव कर गई, तो उनको हम सही बता रहे हैं कि भाई अब सही चीज उनको बताया जाएगा, उनका भ्रम तोड़ दिया जाएगा, फिर वो हमारे साथ आएंगे। देखिए, एक दो अधिकारी को, जैसे सभी अधिकारी को नहीं बदनाम किया जा सकता, अगर अधिकारी सही नहीं होते ज्यादातर, तो हम उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश नहीं बना पाते, ढेर सारी नीतियां विकास के क्रम में। लेकिन कुछ अधिकारी तो जरूर, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि कुछ अधिकारी हैं जो शुरू में जब पोस्टिंग लेनी होती है थोड़ा सीधे साधे होते हैं, और अंदर से पिछली सरकारों की वो विचारधारा से प्रेरित होते हैं, और जब भी मौका मिलता है तो वोट खराब करने का काम करते हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि 18% आबादी मछुआरों की है, इसे नाराज करने के लिए कांग्रेस के खिलाफ भी उस समय हुआ, और उस समय भी एक अधिकारी ने शुरू किया, 18% निषाद नाराज हो गए, और देखो उस आरक्षण के मुद्दे से कांग्रेस कहाँ चली गई। उसी तरह के सपा और बसपा में भी आए वही अधिकारी, घुमाते रहे और घुमा के आरक्षण के मुद्दे को गुमराह किया, और नतीजा क्या हुआ कि पिछड़ों से निकाल दिया और एससी इसके पास कुछ था नहीं, मामला परिभाषित करने का था, शामिल करने को मोड़ दिया, नतीजा क्या हुआ, फाइलें गायब कराई हैं इनको, ऑलरेडी जब नोटिफिकेशन हो रखा जिसका ऑलरेडी, तो उस पर उसको ओबीसी में डालना गैर संवैधानिक था, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और कॉन्स्टिट्यूशनल डिसाइड तो अधिकारी करता है ना, तो उसके आधार पर ये उपेक्षित रहा, तो देखो सपा और बसपा की हाल हो गई। यही निशान है जो आज के दिन में भाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश मांगा अगर आरजीआई से, कि भाई ये जो 1961 में सेंसस में 1961 में इनकी गिनती हुई थी, इनके पास नोटिफिकेशन है कि केवट मल्ला मझवार हैं, और ये आज के दिन उत्तर प्रदेश सेंसस में, इसका दिशा निर्देश दिया जाए तत्काल, तो तत्काल दिशा निर्देश देने के बजाय अधिकारी जो है वो यहाँ देना चाहिए, और कहाँ भेज दिया कि सामाजिक न्याय मंत्रालय, मतलब वो उलझाए रखते हैं। तो ऐसे कुछ अधिकारी हैं जिसके वजह से समुदाय उपेक्षित रहे, वोट खराब हो जाए, जिससे नुकसान हो, तो ऐसे बहुत अधिकारी हैं इसी तरीके के, समय आने पर वो नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं प्रेरित। जैसे हमारे यहाँ जो आपने देखा हो 2021 में
चुनाव हुआ था जिला पंचायत का, दो निषाद जीत के आए मेरा पंचायत से, जीत गए। प्रमाण पत्र लेने के लिए जिले पर नियम था, प्रमाण पत्र लेने आए तो पता चला कि हारे हुए प्रत्याशी को तो अपने संवर्गी को दे दिया और उनको और चुनाव आयोग के वेबसाइट पर भी डाल दिया अधिकारी ने। फिर जब हंगामा हुआ, फिर जांच हुआ, फिर से प्रमाण पत्र उनको, तो इसी तरीके से पकड़े जाते हैं और इनके ऊपर कार्रवाई भी करते हैं। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि समय समय पर जब जांच होता ऐसे अधिकारी जो मिलते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती है। सर, नुकसान पहुंचाने वाले अधिकारी आप निश्चित रूप से चिन्हित हो रहे हैं, वो जब क्रियाकलाप जब बाहर आ जाता है कि वो कार्यकर्ता का नहीं सुने, जिलाध्यक्ष का नहीं सुने, मंत्री की बात नहीं सुने, जनता को उपेक्षित रहे, वो अपने आप पता चल जाता है कि अधिकारी हैं और उनको इसीलिए वहां से हटाया जाता है हटाने के बाद। लेकिन उन अधिकारी को हटाया तो नहीं जाता, बल्कि उस समस्या को दूसरे जगह, वो समस्या जहाँ रहेगा अधिकारी वो वहीं वो समस्या पैदा करेगा। तो अधिकारियों की पोस्टिंग ट्रांसफर बहुत मायने नहीं रखता, बल्कि उनको उस जगह से उनको बीआरएस दे के घर भेज दिया जाए। सर, समाज जनता कहीं परेशान है, जनता एकदम सुख शांति से आप देख सकते हैं, नेता लोग परेशान है क्योंकि नेताओं को कुछ को सत्ता नहीं मिल रही है, कुछ को हार मिल रही है, कुछ को जीत मिल रही है, उसमें ये लोग परेशान, जनता खुश है। जनता परेशान तब थी जब पिछली सरकारें थी, माफियाओं से परेशान थी, दहशतगर्दों से, गुंडों से परेशान थी, तमाम तरह के लोगों से इस तरीके की व्यवस्था से परेशान थी। तो उस तरह से अब उत्तर प्रदेश पहले और अब के उत्तर प्रदेश बहुत अंतर है, इसलिए जनता दोबारा हम लोगों को उठाई। ये सब परेशान है, मैंने बताने कि कुछ ऐसे हो, आज के दिन में संज्ञान में आने के बाद उस पर कार्रवाई हो रही है और उस पर आज के दिन जनता के साथ हमारी साथ सरकार खड़ी है, उसमें कहने की क्या बात है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।